तेरे दर्द से दिल आबाद रहा और दूसरी बार लगातार मैच का विनर हैदराबाद रहा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। कल ब्रुक भैया ने जो धुआंधार बल्लेबाजी की ना, एक बार तो जियो सिनेमा भी क्रैश हो गया था। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। कल ये भी साबित हो गया कि भैया कभी भी एक स्त्री की खरीदारी पर संदेह नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो स्त्री है। हाँ तो मादरचोद, उसको जाके बोलना मुझे क्या बोल रहा है। कल हमें एक बार फिर बाहुबली का वो सीन याद आ गया। स्वामी देना साथ हमारा। 1.6 करोड़ लोग देख रहे थे जब रिंकू भैया लास्ट ओवर में बैटिंग कर रहे थे। वो शेरों का शेर है और राजाओं का राजा। कौन है वो? जानी। राज तिलक की करो तैयारी, आ गए हैं भगवादारी। कल एक बार फिर हैदराबाद का जीत के साथ सूर्य उदय हुआ। जो लोग हैदराबाद को हल्के में ले रहे थे ना, समझ जाओ हैदराबाद नाम सुन के फ्लावर समझे क्या, फायर है मैं। कल वैसे दो बड़े रिकॉर्ड भी बन गए। एक, इस सीजन का पहला शतक निकल कर आया, और नंबर दो, अब तक का इस सीजन का सबसे बड़ा स्कोर भी बना। मजा आया। अगर एक चीज को छोड़ दे तो सारी चीजें कल हैदराबाद के अनुकूल रही। हैरी ब्रुक का वापस से फॉर्म में आना और शतक जड़ना, एडिन माकरम का वो शानदार अर्धशतक लगाना, और उसके बाद में शर्मा जी के लड़के के बड़े बड़े छक्के। कल हैदराबाद के खिलाड़ियों ने इतने कैच छोड़े जितनी सड़क पर नहीं होती मोड़े। बात तो सही है। हैरी ब्रुक पिछले 3 मैचों से रन बनाने में बेहद संघर्ष कर रहे थे। उनकी पिछली 3 पारियों में 1 पारी में 3, दूसरे में 13 और तीसरे में 3। ऐसा लग रहा था कि हैदराबाद ने इस बंदे को खरीदकर बहुत बड़ी गलती कर दी। कुछ लोग तो ये भी बोल रहे थे कि अंग्रेज आज भी हमें लूट रहे हैं, लेकिन कल ब्रुक ने पैसे नहीं लूटे बल्कि इतने रन लूटे कि केकेआर को हार की दहलीज पे ले जाकर खड़ा कर दिया। चीटिंग 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 करता है तू। पहली बॉल पे हमें ब्रुक की क्लासिक पारी देखने को मिली। मात्र 55 गेंदों पर 12 चौके और 3 छक्कों सहित 188 की स्ट्राइक रेट से कल हैरी ब्रुक ने अपना शतक पूरा किया। हैदराबाद की टीम ने कल जो इतना बड़ा स्कोर खड़ा किया ना, इसके पीछे इन्होंने दिमाग लगाया। देखो, हैरी ब्रुक स्पिन के खिलाफ थोड़ा सा संघर्ष करते हुए नजर आते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में एडिन माकरम ने कहा कि स्ट्राइक पर मैं जाता हूं, और उन्होंने स्पिन को खेला और कल उन्होंने स्पिन के खिलाफ 5 छक्के लगाए। तो एक तरफ जहाँ एडिन माकरम स्पिन को पेल रहे थे, तो वहीं हैरी ब्रुक जो तेज गेंदबाज थे उनके खिलाफ अच्छा खेल रहे थे। क्या बात है। पहले एडिन माकरम ने सुयस को आड़े हाथों लिया और इसके बाद में वरुण चक्रवर्ती को भी थोड़ा बहुत पेल दिया। टॉस जीतकर केकेआर ने पहले बॉलिंग चुनी, लेकिन यह फैसला उतना ही सही रहा जितना तुम्हारा लड़की को पटाने की कोशिश करना। हैदराबाद ने 4 विकेट गंवाकर 228 रन का पहाड़ जैसा लक्ष्य बना दिया। अरे मां चुदी परी। हालांकि टारगेट चेस करना मुश्किल था, लेकिन नामुमकिन नहीं, क्योंकि केकेआर में एक नाम था, रिंकू सिंह। अक्षय कुमार को सिंह इज किंग कहते हैं, और जो 5 गेंदों पर 5 छक्के लगा दिए उसे रिंकू सिंह कहते हैं। हालांकि कोलकाता की शुरुआत बेहद खराब रही, उनका पहला विकेट पहले ओवर में गिर गया। हालांकि नीतीश राणा ने 41 गेंदों पर 75 रन की एक आतिशी पारी खेली। नीतीश ने उमरान मलिक के एक ओवर में 28 रन बटोरे, और यहीं से जो मोमेंटम था वो केकेआर की तरफ शिफ्ट हो गया। रसल भी हर बार की तरह कल एक बार फिर से फ्लॉप रहे। रिंकू सिंह से कल सब लोगों को बहुत उम्मीदें थी, पर भैया अकेला बंदा करे तो क्या करे, अब हर बार तो आपको मैच नहीं जीता सकता ना। कल जब एक ओवर में 31 रन चाहिए थे ना, तब भी लोगों की उम्मीदें जिंदा थी। ऐसा लग रहा था कि इतिहास अपने आप को दोहराएगा, क्योंकि रिंकू सिंह है तो मुमकिन है। और हैदराबाद ने 29 रन से ये मुकाबला अपने नाम कर लिया। कुछ भी हो, लेकिन कल का मैच भी बहुत ही शानदार था, रोमांचक था। तो भैया मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।